हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द सेंजर्स। सो आज से हम लोग या इस वीडियो से हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। क्या हम लोग जेनेटिक्स पोर्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। और सभी को पता है कि हर साल जेनेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट अराउंड 15 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी इन नीट, यानी कि जेनेटिक्स के दो चैप्टर, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स के दो चैप्टर और बायोटेक्नोलॉजी के दो चैप्टर्स हमारे कौन कौन से, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। ये चार चैप्टर मिला के अकेले हमारे 15 क्वेश्चंस कवर करते हैं। और इसी में अगर हम लोग क्या करें, सेल बायोलॉजी और बायोमोलिक्यूल्स को भी ऐड कर दें तो क्वेश्चन का नंबर हमारा कितना पहुंच जाएगा, हमारा लगभग 22 क्वेश्चंस इन चैप्टर से, इन 5-6 चैप्टर से ही आ जाएंगे। तो ये सारे चैप्टर से स्ट्रांग होना ज़रूरी है। जैसे जूलॉजी में हम लोग बात करते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी सभी का एक स्ट्रांग पोर्शन होता है, सेम एज जेनेटिक्स पोर्शन सभी का, लगभग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्या होता है, ये वीक पोर्शन होता है। तो इन चीज़ों को हमें क्या करना है, अच्छे से इस पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि ये पोर्शन भी हमारा इक्वली इंपॉर्टेंट है उस, इनफैक्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्या जेनेटिक्स के बारे में। जैसे मैंने बताया बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसमें, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि चैप्टर के बारे में कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि जब आगे हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो, एक्चुअल हमारा चैप्टर स्टार्ट हो, वहाँ पर क्या हो, हमें रीडिंग करने में, बुक हम रीड करेंगे, कई सारे टर्म्स ऐसे आएंगे, उन टर्म्स को क्लियर करते हुए हम लोग आगे चलेंगे, ताकि बुक जब हम लोग रीड करें तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन हमारे सामने ना हो। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला चीज़ हमारे सामने क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल हम लोग किसे बोलेंगे, जेनेटिक मटेरियल हम लोग उसे बोलेंगे ऐसा कोई बायोमोलिक्यूल जिसका काम क्या है, जिसका फंक्शन है हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, जिसका फंक्शन है हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, और नॉट ओनली टू स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बट ऑल्सो ट्रांसफर इट टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी जेनेटिक मटेरियल कोई ऐसा बायोमोलिक्यूल जो, जिसका फंक्शन क्या है, टू स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो ट्रांसफर इट टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि उस जेनेटिक मटेरियल का इनहेरिटेंस भी होता है। तो इसका अगर डिफिनेशन बोलना चाहें तो ऐसा कुछ हम लोग कह सकते हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल दैट स्टोर्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर इट टू नेक्स्ट जनरेशन। बायोलॉजिकल मटेरियल विच स्टोर्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर इट टू नेक्स्ट जनरेशन यानी कि जितना ही इंपॉर्टेंट इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट इसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करना भी है, तभी हमारा क्या है, इनहेरिटेंस, सारी चीज़ें, सारे कैरेक्टर्स हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेंस तभी कर सकते हैं। फिर याद हो न्यूक्लिक एसिड किस टाइप का जेनेटिक मटेरियल, हमने बायोमोलिक्यूल जब हमने पढ़ा, तो बायोमोलिक्यूल में हमने सभी बायोमोलिक्यूल्स को क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट वन इज माइक्रोमोलिक्यूल एंड सेकंड वन इज मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल याद हो तो किसे बोलते हैं हम लोग, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो, 1000 डेल्टन से कम हो, माइक्रोमोलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डेल्टन से कम, मैक्रोमोलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डेल्टन से ज़्यादा। एक और चीज़ याद हो तो माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या आता है, एसिड इनसॉल्यूबल पूल, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ये सभी चीज़ें दी गई हैं कि माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या आता है, एसिड सॉल्यूबल पूल, मैक्रोमोलिक्यूल में क्या आता है, एसिड इनसॉल्यूबल पूल। फिर माइक्रोमोलिक्यूल्स में हम किन किन चीज़ों को रखते हैं, न्यूक्लिक एसिड हमारा मैक्रोमोलिक्यूल है, माइक्रोमोलिक्यूल में हम लोग क्या क्या रखते हैं, अमाइनो एसिड, नाइट्रोजनस बेस और लिपिड को रखते हैं, और मोनोसैक्राइड्स को रखते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल में हमें क्या क्या आता है, इन्हीं के पॉलीमर्स आते हैं, यानी ये जो मोनोमर्स थे हमारे, न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या है, नाइट्रोजनस बेस या न्यूक्लियोटाइड्स। अब मैक्रोमोलिक्यूल में क्या क्या चीज़ें आएंगी, मैक्रोमोलिक्यूल में आएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स किसका पॉलीमर है, प्रोटीन्स पॉलीमर है अमाइनो एसिड का। तो यानी कि माइक्रोमोलिक्यूल्स में हमारी क्या क्या चीज़ें आई थी, माइक्रोमोलिक्यूल्स में हमारी चीज़ें आई थी सभी मोनोमर टाइप की चीज़ें, मैक्रोमोलिक्यूल में उन्हीं चीज़ों के कई सारे मोनोमर्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स। तो मैक्रोमोलिक्यूल ही हमारा क्या है, न्यूक्लिक एसिड भी एक तरह का हमारा क्या है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल है, यानी ये किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा एसिड इनसॉल्यूबल पूल में,
न्यूक्लिक एसिड किसमें पाया जाएगा? एसिड इनसॉल्युबल पूल। ये चीज़ें एनसीईआरटी में दी गई हैं, बायो चैप्टर है हमारा बायो मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे क्या चीज़ें दी गई हैं। ये भी पूछा गया है कि एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल कौन सी एसिड को यूज़ करते हैं, तो याद होगा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एनसीईआरटी की लाइन है, तो एसिड कौन सा यूज़ होता है? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो ये चीज़ें थी हमारी बहुत ही बेसिक सी चीज़ किसके बारे में, जेनेटिक मटेरियल। काम क्या है? टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। सेकेंड चीज़ हमारा क्या है? न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड याद होगा, न्यूक्लिक एसिड को पहली बार खोजा कहाँ गया था? न्यूक्लिक एसिड को पहली बार खोजा कहाँ गया था? इसको खोजा गया था पस सेल में, यानी न्यूक्लियस, पस सेल के न्यूक्लियस में, पस सेल के न्यूक्लियस में। इसी पे इसका नाम क्या रखा गया? न्यूक्लिक। और एसिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स केमिकल नेचर, यानी ये केमिकली एसिड टाइप का होता है। केमिकली इसका नेचर कैसा होता है? एसिड टाइप का। अब एसिड टाइप का नेचर ये शो क्यों करता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये एसिडिक टाइप बिहेवियर शो करता है। अब कुछ साइंटिस्ट लोग का नाम यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट है, कुछ साइंटिस्ट का नाम याद रखना, कि जब फर्स्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस ऑफ पस सेल में, उनका नाम क्या था? उनका नाम था एफ मिशर। साइंटिस्ट का नाम था एफ मिशर, फ्रेडरिक मिशर, फ्रेडरिक मिशर। साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी फर्स्ट टाइम, कहाँ पे? न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। फिर न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया था? इन्होंने तो डिस्कवरी की थी बट टर्म इसको न्यूक्लिक एसिड बोला किसने था फर्स्ट टाइम? उनका नाम था अल्टमैन। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बुक्स में भी मिल जाएंगी, बट जब हम लोग बेसिक से पढ़ रहे तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ऐसा सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, ऐसे क्वेश्चन साइंटिस्ट के नाम क्वेश्चन हर साल आते हैं, ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, यानी डिस्कवरी किस ईयर में हुई थी, तो वो चीज़ हमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ईयर के बारे में नहीं याद रखना, हमें यहाँ पर साइंटिस्ट के बारे में नाम रखना है, याद रखना है। फिर एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक एसिड अब कितने टाइप्स के होते हैं? न्यूक्लिक एसिड याद हो, दो टाइप्स के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप्स के पाए जाते हैं, फर्स्ट वन इज आरएनए, सेकंड वन इज डीएनए, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ से जब डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ तो इनके स्ट्रक्चर्स को भी जानेंगे कौन ज़्यादा स्टेबल है, रीज़न क्या है ज़्यादा स्टेबल होने का, ये सारी चीज़ें जानेंगे। बट यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं कि अब दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, या तो डीएनए या तो आरएनए। बट अर्लियर क्या होता था, यानी कि काफ़ी टाइम पहले, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में आरएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल हुआ करता था। बट जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, डीएनए ने उसको रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें क्लियर हो पाएगा क्यों डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ज़्यादा स्टेबल क्यों है। बट यहाँ पे हमें क्या पता चला, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए कौन सा, यानी पहली बार किस जेनेटिक मटेरियल पाया गया था, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है हमारा आरएनए। ये हो गया हमारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल हो गया हमारा आरएनए। और अगर एग्जाम में हमसे पूछा जाए विच वन इज द मोस्ट स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, तो वो होगा डीएनए, मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। अब हम लोग डिटेल में जब इसके स्ट्रक्चर को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा ये मोर स्टेबल क्यों है। इनफैक्ट थोड़ी सी चीज़ अभी बता देता हूँ, इसका पूरा नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का रिमूवल। डीऑक्सी का मतलब OH का रिमूवल। तो जैसे ही यहाँ से आरएनए में एक एक्स्ट्रा OH प्रेजेंट होता है, उस OH का रिमूव क्या कर देते हैं? डीऑक्सी। उस OH को रिमूव कर दिए, इस वजह से ये क्या हो गया, अब वो OH रिएक्टिव, जो रिएक्टिव OH जो आरएनए में प्रेजेंट था, वो रिएक्टिव OH यानी डीऑक्सी OH रिमूव हो गया, वो रिएक्टिव OH अब डीएनए में नहीं प्रेजेंट है। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए। फिर स्ट्रक्चर तो बाद में हम लोग देखेंगे ही। अब आगे थोड़ी सी और चीज़ें क्लियर कर देना चाहूँगा, बॉडी सेल्स। अगर हम अपने बॉडी सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहें, बॉडी सेल्स, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसको हम दो पार्ट में मेनली डिवाइड कर सकते हैं। पहला इज जर्मिनल सेल, जर्मिनल और जर्म सेल। सेकेंड वन इज सोमाटिक सेल, सोमाटिक सेल्स।
यानी जर्म सेल्स और सोमैटिक सेल्स। अब जर्म सेल्स हम लोग किसे बोलते हैं, नाम सुना हो, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी, यानी हमारे गोनेट्स के जो सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, जर्मिनल सेल्स बोलते हैं। यानी हमारे टेस्टिस और ओवरी के सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनल सेल्स। अपार्ट फ्रॉम दीज टू सेल्स, यानी अपार्ट फ्रॉम आवर गोनेट्स, ऑल द सेल्स वी कैन से दैट आर सोमैटिक सेल्स, यानी ऑल बॉडी सेल्स, ऑल बॉडी सेल्स एक्सेप्ट गोनेट्स। ये क्या हो गया, जर्मिनल सेल्स किसे बोलेंगे, हमारे गोनेट्स के सेल्स को, यानी हमारे टेस्टिस या ओवरी के सेल्स को। लेयर इसका नाम सुना होगा जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस एंड जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी। फिर इनका काम क्या है, हमारे गोनेट्स के सेल्स का काम है मियोसिस करके गैमेट बनाना। जर्म सेल्स का काम क्या है, गैमेट फॉर्मेशन कराना, किस प्रोसेस के थ्रू, मियोसिस करके गैमेट्स बनाना। अब मियोसिस यहाँ पे होता है, अगर मियोसिस पे आप लोग हमारा वीडियो देखना चाहें तो मियोसिस पे अलग लेक्चर है, उसका लिंक आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएगा। फिर जर्म गैमेट्स बन गए, प्रोसेस क्या था, मियोसिस। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रेजेंट डीएनए के लिए। अब डीएनए तो सभी सेल्स में प्रेजेंट है, हमारे स्पर्म सेल्स हो या कोई भी बॉडी का सोमैटिक सेल हो, कोई भी नॉर्मल सेल हो, स्किन सेल हो, डीएनए तो हर जगह प्रेजेंट है। बट अगर हम बात करें तो कि इनहेरिटेंस किस डीएनए की होती है, तो इनहेरिटेंस सिर्फ उसी डीएनए का होता है जो हमारे स्पर्म या ओवम में प्रेजेंट होता है, यानी हमारे गैमेट्स में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वही ट्रांसफर होता है पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में। सोमैटिक सेल्स के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, ये चीज़ें ऑब्वियस सी चीज़ें हैं, हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ रखा है। बट यहाँ पे रीज़न क्या है बताने का, जब हम लोग आगे म्यूटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो भी म्यूटेशन जर्मिनल म्यूटेशन होता है, यानी जो म्यूटेशन हमारे गैमेट्स में होता है वो क्या हो सकता है, इनहेरिटेबल होता है, यानी वो म्यूटेशन पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। बट सोमैटिक सेल्स में किसी भी जो भी म्यूटेशन होगा वो कभी भी पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, Only DNA is passed on to next generation. Only DNA is passed to next generation. सिर्फ हमारे जर्मिनल सेल्स या गैमेट्स के ही डीएनए क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं। Their DNA is never inherited in next generation. ये डीएनए का कभी भी इनहेरिटेंस नहीं होता, ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी। मेन चीज़ क्या था हमारा, जेनेटिक मटेरियल का काम क्या है, स्टोरेज एंड ट्रांसफर। जेनेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, कभी भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं कर सकता। आगे हम लोग जब एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग प्रूफ करके भी देखेंगे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड ये सब जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा न्यूक्लिक एसिड ही क्या होता है, ट्रांसफर होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, सिर्फ इन्हीं का इनहेरिटेंस होता है। फिर न्यूक्लिक एसिड डिस्कवरी किसने की थी, यानी खोजा कहाँ गया था, फर्स्ट टाइम खोजा गया था न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सेल, ढूंढा किसने था, एफ मिशर ने। टर्म किसने दिया था न्यूक्लिक एसिड, जिसने उन्होंने टर्म दिया था उनका नाम क्या था, आर अल्टमैन। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, अगर पूछे जाते फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड कौन सा था तो आर एन ए, मोर स्टेबल न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है तो डी एन ए। अब नेक्स्ट देखते हम लोग, तो अब एक बहुत ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक आता है हमारे सामने, क्या तीन टर्म्स है हमारे सामने, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, क्या थ्री टर्म्स है हमारे सामने, क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमैटिन नेटवर्क जिसे हम लोग बोलते हैं, सेकेंड टर्म है हमारे सामने क्रोमोसोम, थर्ड क्या है हमारे सामने, क्रोमैटिड, यह है क्रोमैटिन TIN, इसके एंड में क्या है, क्रोमैटिड TID। इनमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है इन तीनों टर्म्स में, ये नहीं पता होता है ये एक ही चीज़ होते हैं या अलग चीज़ होते हैं। अगर ये भी पता है कि तीनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं तो तीनों के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं पता होता है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग टर्म है, सुनने में भी एक ही जैसा लगता है। अभी हम कुछ टर्म्स और इंट्रोड्यूस कर देंगे, इसमें कुछ ऐसे टर्म्स भी आते हैं, सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर्स, तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, अभी
थोड़े देर में अगले 10 मिनट में हमें क्या है इन चीज़ों के बीच में क्लियर कट डिफरेंसेस हमें पता चल जाएंगी कि क्या ये डिफरेंसेस होते हैं, इनके स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंसेस है, इनके फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये सेल साइकिल के किस स्टेज में विजिबल होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट कुछ देर में पता चल जाएगी। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते पढ़ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम की स्टडी करेंगे। बाद में जब हमें क्रोमोसोम पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्रोमैटिन हमारे लिए और सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर हम इसको एक स्टेटमेंट में कहना चाहें तो क्रोमैटिन इज लोअर ऑर्डर कंडेंसेशन ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम इज हायर ऑर्डर कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। यानी कि दोनों ही क्या बोलो, तीनों ही किसके बने हैं, डीएनए के बने हैं। तीनों के तीनों क्रोमैटिन, क्रोमोसोम या क्रोमैटिड, तीनों ही तीनों बने किसके हैं, डीएनए के बने हैं। बट क्रोमैटिन क्या है, लोअर ऑर्डर कंडेंसेशन है, यानी डीएनए का कम कंडेंसेशन हुआ तो क्या हुआ, क्रोमैटिन। और डीएनए का हायर ऑर्डर कंडेंसेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, क्रोमोसोम। तो अभी मैंने क्या बोला, क्रोमैटिन इज लोअर ऑर्डर कंडेंसेशन ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम इज हायर ऑर्डर कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। यानी ये क्या है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये हमारा है क्वाइल डीएनए, क्वाइल डीएनए। यानी डीएनए हेलिक्स कुछ इस तरह जो हम लोग बनाते हैं, ये क्या है हमारा डीएनए हेलिक्स है। ये डीएनए हेलिक्स क्वाइल फॉर्म में है। क्वाइल किस पे होता है याद होगा, डीएनए हेलिक्स क्वाइल होता है। एक स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियोसोम, यानी कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इन प्रोटीन्स पे क्या किया जाता है, डीएनए को रैप कर दिया जाता है। तो वही स्ट्रक्चर हमारा क्या बनता है, क्वाइल डीएनए का स्ट्रक्चर, इसे हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। ये थ्रेड फॉर्म में विजिबल होता है, क्वाइल डीएनए किस फॉर्म में होता है, थ्रेड फॉर्म में। अब ये क्रोमैटिन किसका किसका बना होता है, इसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। यानी क्रोमैटिन किसका किसका बना है, डीएनए का, आरएनए का, प्रोटीन का। तीनों का अमाउंट देखें तो डीएनए 30-40%, प्रोटीन 60-65%, आरएनए इज 5-10%। यानी सबसे ज़्यादा प्रोटीन, फिर डीएनए, फिर आरएनए, ये मिलके क्या बनाते हैं हमारा, क्रोमैटिन बनाते हैं। फिर क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम इन क्रोमैटिन्स का और ज़्यादा कंडेंसेशन, यानी क्रोमैटिन किसके बने थे, डीएनए, डीएनए बना है क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होके क्या बन गया, क्रोमोसोम। क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होके क्या बन गया, क्रोमोसोम। यानी बुक में जो हम लोग ये स्ट्रक्चर बना देते हैं ऐसे, बुक में या हम लोग अपने कॉपीज में ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं क्रोमोसोम, तो एक्चुअली में ये होता क्या है, ये होता है क्रोमैटिन का ही कंडेंसेशन। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है वो कैसा है, कंडेंस फॉर्म में दिखाया है। किसको, कंडेंस फॉर्म में, हमने क्रोमैटिन थ्रेड को या क्रोमैटिन फाइबर्स को यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में दिखाया, तो ये बन गया हमारा क्रोमोसोम, जो कि बुक में कुछ इस तरह से बना होता है। तो हमें समझ आया क्या है, दोनों के दोनों डीएनए से बने हैं, दोनों के दोनों क्या है, एक तरह का कंडेंसेशन में ही डिफरेंस है। आगे फंक्शन में भी डिफरेंस देखेंगे, स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस देखेंगे। तो पहला चीज़ क्या है हमारा, ये कैसे स्ट्रक्चर वाइज है, ये है थिन है, क्रोमैटिन थिन फॉर्म में है, अनकॉइल्ड फॉर्म में है। क्या बोल सकते हैं हम लोग किसके स्ट्रक्चर कैसा है, थिन है, अनकॉइल्ड। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, ये और थिक हो जाते हैं, थिक फॉर्म में हो जाते हैं। अब क्या है, अनकॉइल्ड से कॉइल्ड फॉर्म में आ गए, और इनका शेप कैसा हो गया, रिबन लाइक शेप हो गया। यानी क्रोमैटिन वर thin and unquiled and chromosome is thick and coiled। साथ ही साथ shape इनका कैसा हो गया, ribbon like shape हो गया, ribbon like shape। ये हो गया क्या, इनके structure के भी बारे में पता चल गया। अब ये सेल साइकिल का किस स्टेज में दिखाते हैं, अब जब हमने पढ़ा था सेल साइकिल तो क्रोमैटिन हमें दिखता है इंटरफेज स्टेज में, क्रोमैटिन थ्रेड्स हमें किस में दिखते हैं, इंटरफेज स्टेज में। फिर धीरे धीरे क्या होता है, सेल इंटरफेज से मूव करता है एम फेज में, एम फेज में क्या होने लगता है, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज में। बट एक्चुअली में ये कंडेंस पूरी तरीके से होकर कब हमें दिखने लगता है, मेटाफेज में। यानी क्रोमैटिन कब दिखेगा हमें, इंटरफेज में। क्रोमोसोम हमें कब दिखेगा, मेटाफेज। मेटाफेज से लेके कब तक वो क्रोमोसोम के फॉर्म में रहेगा, मेटाफेज से लेके एनाफेज तक ये क्रोमोसोम के फॉर्म में रहेगा। उसके बाद क्या होता है, याद होगा क्रोमोसोम ये है एनाफेज में सेपरेट हो जाते हैं, क्रोमोसोम ये है एनाफेज में सेपरेट हो जाते हैं। यानी क्रोमैटिन कब दिखा हमें, इंटरफेज में। क्रोमोसोम कब दिखा हमें, क्रोमोसोम दिखा मेटाफेज से लेके एनाफेज तक में। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दे अपीयर ड्यूरिंग इंटरफेज, they appear during
इंटरफेस and they appear from metaphase to anaphase. ये metaphase से anaphase में तक दिखते हैं. metaphase में कुछ इस तरह, anaphase में इनका separation हो जाता है. separation के बाद अब इन दोनों को हम लोग क्या है, अलग अलग chromosome बोल सकते हैं. NCERT की line है कि after anaphase when both the strands of chromosome separate they are known as इंडिविजुअल क्रोमोसोम. यानी एनाफेज के बाद ये दोनों जब अलग हुए तब इनको हम अलग अलग क्रोमोसोम बोल सकते हैं. अब इनका क्या है, अब हमें देखना है फंक्शन, ये किस में हेल्प कराता है. क्रोमैटिन हेल्प कराता है. अब क्रोमैटिन कब प्रेजेंट है, इंटरफेज स्टेज में, यानी सेल अपने आप को रेप्लिकेशन के लिए स्टार्ट हो रहा है, अपने आप को रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा है. तो इंटरफेज स्टेज में क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा. तो क्रोमैटिन किस में हेल्प कराता है, डीएनए के रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में. क्रोमोसोम किस में हेल्प कराता है, क्रोमोसोम क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इक्वली आगे चल के सेपरेट कराने, यानी आगे चल के जब सेल डिवाइड करेगा तो उसी के साथ साथ क्या होगा, क्रोमोसोम भी डिवाइड करेगा. अभी और क्लियर करता हूँ मैं कैसे, पहले लिख लेते हम लोग. क्रोमैटिन अलाउ डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ये हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन में एंड ट्रांसक्रिप्शन में. ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है जिससे डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए. रेप्लिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या बनता है, डीएनए से डीएनए. ये किसमें हेल्प कराता है, ये हेल्प कराता है हमारा, इट हेल्प्स इन इक्वल सेपरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इक्वल सेपरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर रखना चाहूँगा कि क्यों नहीं, जब सेपरेशन हो रहा है तो क्रोमैटिन के ही फॉर्म में हो जाता है, जब सेपरेशन हो रहा है तो क्रोमैटिन के ही फॉर्म में क्यों नहीं वो हो रहा है, क्रोमैटिन के फॉर्म में ही क्यों नहीं डीएनए का सेपरेशन हो जा रहा है, एक सेल से नए सेल में पहुँच जा रहा है. तो इसको इस तरह को समझें, जब हमें क्या करना होता है, किसी भी सामान को कहीं से एक जगह से दूसरी जगह से मूव करना होता है, लाइक वी आर मूविंग फ्रॉम आवर, कहीं से हम घूमने जा रहे हैं, तो क्या कर रहे होते हैं, हम अपने लगेज को क्या करते हैं, एक जगह पे पैक करते हैं, सभी सामान को एक जगह पे पैक करते हैं, ताकि उसको क्या किया जा सके, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जा सके. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, क्रोमैटिन को एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं, उसको पैक कर रहे हैं, ताकि ये एक जगह से दूसरे जगह से, एक सेल से दो अलग अलग सेल में इसका ट्रांसफर हो सके. इसीलिए मैंने क्या बोला, इक्वल सेपरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में कौन हेल्प कराता है, क्रोमोसोम. और क्रोमैटिन में रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्यों पॉसिबल है, क्रोमोसोम में क्यों नहीं पॉसिबल है. रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन हम लोग आगे देखेंगे कैसा प्रोसेस है, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होते हैं, यानी कि एक तरह से डीएनए के हेलिक्स को क्या किया जाता है, रीड किया जाता है. अब डीएनए के हेलिक्स को रीड करना कब आसान होगा, जब डीएनए अनकॉइल्ड यानी लेस कॉइल्ड फॉर्म में है, यानी डीएनए ओपन फॉर्म में है, तब उसकी रीडिंग ज़्यादा इजीली पॉसिबल है. इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्रोमैटिन में होता है, क्रोमोसोम में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर. तो इसी के साथ क्या होता है हमारा, अब हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, बस कंडेंसेशन में डिफरेंस है, फंक्शन में क्या डिफरेंस है वो भी देख लिया, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन एंड जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर. स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, थिन एंड अनकॉइल्ड, ये कैसे होते हैं, थिक होते हैं. अपीयर कब होता है, इंटरफेज में. अपीयर कब होता है, मेटाफेज से लेके एनाफेज में. अब क्रोमोसोम समझ में आ गया तो अब हमें क्या समझ आ जाएगा, अब हमें समझ आ जाएगा क्रोमैटिड भी समझ आ जाएगा. ये है क्रोमोसोम, यानी ये जो डायग्राम अभी थोड़े पहले हम लोग बनाया था. अब ये क्रोमोसोम की ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स, या प्रिसाइजली बोलूँ तो सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड क्यों बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे की रेप्लिका होती है, यानी जो इधर प्रेजेंट है सेम टू सेम इसी का रेप्लिका इधर प्रेजेंट है. अब रेप्लिका बना क्यों, याद होगा इंटरफेज में तीन स्टेज होते हैं, जी वन एस जी टू. एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. तो ये रेप्लिका बन क्यों पाया, क्योंकि सेल एस फेज के थ्रू पास किया. एस फेज में क्या हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन, एक सेल से दो सेल बनाने हैं तो डीएनए का भी क्या करना होगा, डीएनए का भी अमाउंट बढ़ाना होगा. एक सेल से दो सेल बनाने हैं तो डीएनए का भी अमाउंट बढ़ाना होगा. इसी वजह से क्या हुआ, सिस्टर क्रोमैटिड्स बने, सिस्टर क्रोमैटिड्स यानी इसी का रेप्लिका. और क्लियरली कुछ इस तरह समझ सकते हैं, अगर जी वन फेज की बात करें और जी वन के बाद आता है एस फेज, जी वन फेज में सिर्फ ये प्रेजेंट होगा एक क्रोमैटिड,
एस फेज में क्या हो गया, इसी का रेप्लिका बन जाता है, एस फेज में इसी का रेप्लिका बन जाता है। और ये दोनों क्रोमेटिड आपस में अटैच किसके रहते हैं, ये दोनों क्रोमेटिड आपस में अटैच होते हैं सेंट्रोमियर, यानी जो स्ट्रक्चर इन दोनों क्रोमेटिड्स को, सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में अटैच किया जाता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। तो जीवन फेज में सिर्फ एक क्रोमेटिड था, एस फेज में क्या होगा, दो क्रोमेटिड्स आ गए। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से सेल साइकिल में बनता है कि अगर यहाँ पे डीएनए का अमाउंट क्या हो, अगर यहाँ पे डीएनए का अमाउंट 2C हो जीवन फेज में, तो एस फेज में क्या हो जाता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, यानी 2C से 4C हो जाता है। बट क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, बस क्या होता है क्रोमेटिड का नंबर सेम हो जाता है। यहाँ पे क्या है, वन क्रोमेटिड यानी एक ही स्ट्रैंड है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, टू क्रोमेटिड, यानी जीवन से एस फेज में जाने में एक क्रोमेटिड से दो क्रोमेटिड बन जाता है। ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है, चेंज क्या होता है, डीएनए का नंबर 2C से 4C डीएनए का नंबर हो जाता है। तो अब हमें क्या है, तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम और क्रोमेटिड। क्रोमेटिड कुछ नहीं है, क्रोमोसोम के दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये कैसी होती हैं, एक दूसरे के रेप्लिका होती हैं, क्यों, क्योंकि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब आगे एक और चीज़ में, जिससे क्या हो, ये सभी चीज़ें एक साथ हम देख सकें, सभी चीज़ें एक साथ क्लियर हो सके। तो सबसे पहले क्या है, डीएनए हेलिक्स प्रेजेंट है हमारे सामने, डीएनए हेलिक्स। डीएनए का शेप कैसा होता है, हेलिकल फॉर्म में होता है, हेलिक्स क्या होता है, अगर इस मार्कर को मैं एक साइड से इस तरफ घुमाऊँ, एक साइड से इस तरफ घुमाऊँ, तो वो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, हेलिकल फॉर्म में आ जाएगा। तो यही डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेलिक्स। अब डीएनए हेलिक्स किस पर रैप होता है, डीएनए हेलिक्स एक प्रोटीन होता है, थोड़े पहले मैंने बताया ये प्रोटीन प्रेजेंट है ना, एक प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए हेलिक्स हिस्टोन प्रोटीन पे अगर रैप कर दे तो स्ट्रक्चर क्या बनता है हमारा, डीएनए हेलिक्स को हमने किस पे रैप करा दिया, हिस्टोन प्रोटीन पे, तो स्ट्रक्चर बना हमारा न्यूक्लियोसोम। डीएनए हेलिक्स को हमने किस पे रैप कराया, हिस्टोन प्रोटीन पे, स्ट्रक्चर बना हमारा न्यूक्लियोसोम। अब कई सारे न्यूक्लियोसोम आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, कई सारे न्यूक्लियोसोम आपस में किससे कनेक्ट हो जाते हैं, लिंकर डीएनए से, चैप्टर में आगे डिटेल में देखेंगे। कई सारे न्यूक्लियोसोम आपस में कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं, लिंकर डीएनए से कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन। ये बन गया हमारा क्रोमैटिन, डीएनए हेलिक्स, डीएनए हेलिक्स को रैप किया न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से क्या बन गया, क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन में कंडेंसेशन हुआ तो क्या बन गया, क्रोमोसोम। क्रोमैटिन में कंडेंसेशन हुआ तो क्या बन गया, क्रोमोसोम। यानी अब फाइनली हमारे सामने क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब इस क्रोमोसोम में क्या है, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, CH क्रोमेटिड्स। ये दोनों क्या हो गए हमारे सामने, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो अब हमें क्या है, सारी चीज़ें क्लियर है, डीएनए से लेकर पूरा क्रोमेटिड तक का स्ट्रक्चर सब कुछ हमारे सामने क्लियर है। तीनों मेजर चीज़ें हो गई हमारी, क्रोमेटिन हो गया, क्रोमोसोम हो गया, क्रोमेटिड्स हो गया। अब एक और चीज़ हमारे सामने क्या था, टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन, टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन, यानी क्रोमेटिन कितने टाइप्स के में देखने को मिलेंगे, चैप्टर में आगे डिटेल में भी देखेंगे। थोड़ी चीज़ें जब बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्लियर करते हुए, टर्म्स को क्लियर करते हुए चले, ताकि चैप्टर में जब हम लोग बुक रीड करें तो वहाँ पे वापस से ये सारी कन्फ्यूजन ना हो। तो पहला टर्म क्या है हमारे सामने, क्रोमेटिन दो टाइप्स के होते हैं, हेटरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, हेटरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। अब यूक्रोमेटिन का मतलब क्या होगा, बायोलॉजी में कहीं पे भी यू वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है ट्रू, जैसे यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया, सिमिलरली यू क्रोमेटिन आर ट्रू क्रोमेटिन, ट्रू क्रोमेटिन। फिर आगे बात करेंगे दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों के फंक्शन क्या होते हैं। दोनों हैं तो क्रोमेटिन, दोनों हैं तो क्रोमेटिन, नाम में लगा हुआ है हेट्रो एंड यू क्रोमेटिन। दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा है, एक बीड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी एक स्ट्रिंग है उसमें बीड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी एक धागा है उसमें मोती की तरह कुछ स्ट्रक्चर है। अब डिफरेंस क्या है, दोनों ही देख सकते हैं, एक थ्रेड है उसमें बीड टाइप की चीज़ें हैं, बीड वो क्या है, वो न्यूक्लियोसोम है जिसपे डीएनए रैप्ड है। अब बात करें हेटरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन क्या है, यू हेटरोक्रोमेटिन वो एरिया जहाँ पे कंडेंसेशन क्या है, ज़्यादा है, जहाँ पे कंडेंसेशन क्या है, ज़्यादा है। यूक्रोमेटिन क्या है, जहाँ पे लेस कंडेंस्ड एरिया है। दोनों हैं तो क्रोमेटिन के ही पार्ट, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कंडेंसेशन ज़्यादा है हेटरोक्रोमेटिन में, और यूक्रोमेटिन में क्या है, लेस कंडेंसेशन है या लोअर ऑर्डर ऑफ कंडेंसेशन है। लेकिन दोनों हैं क्या, दोनों क्रोमेटिन है, दोनों बने किसके हैं, दोनों बने डीएनए से हैं। ये हो गया हेटरो एंड यू, डिफरेंस हम मैंने बताया कंडेंसेशन में। फिर अगर हम इनको माइक्रोस्कोप में देखें,
अगर हम इनको माइक्रोस्कोप में देखें, स्टेन करके देखें, तो जहाँ पे कंडेंसेशन ज़्यादा होगा, जहाँ पे चीज़ें पास पास होंगी, वो हमें कैसे दिखाई देगा, वो हमें माइक्रोस्कोप में डार्क दिखाई देगा। यानी हेटरोक्रोमैटिन हमें माइक्रोस्कोप में जब हम स्टेन करने के बाद देखेंगे तो हमें ये डार्क दिखाई देगा। यूक्रोमैटिन लेस कंडेंस्ड है, स्टेन उतना नहीं लेगा, दूर दूर चीज़ें हैं तो ये क्या होगा, लाइट दिखाई देगा हमें माइक्रोस्कोप के अंदर। फिर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हेटरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन में से किसमें से चेंज आने पे किसी ऑर्गेनिज्म का किसी इंडिविजुअल के फिनोटाइप में चेंज आएगा। हमें पता है क्रोमैटिन है, तो क्रोमैटिन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। और क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, क्वेश्चन मैंने पूछा कि हेटरोक्रोमैटिन या यूक्रोमैटिन में से किसमें चेंज आने से क्या होगा किसी ऑर्गेनिज्म में या किसी इंडिविजुअल के फिनोटाइप में चेंज आएगा, यानी उसके अपीयरेंस में चेंज आएगा। अब बात करें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना, और फिर आता है एक प्रोसेस ट्रांसलेशन, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनना। अल्टीमेटली होता क्या, अल्टीमेटली प्रोटीन ही एक्सप्रेस होता है किसी कैरेक्टर के फॉर्म में, अल्टीमेटली प्रोटीन ही एक्सप्रेस होता है किसी कैरेक्टर के फॉर्म में। अब ट्रांसक्रिप्शन पहला जो प्रोसेस था हमारा जिसमें मैसेंजर आरएनए बनता है, वो हेटरोक्रोमैटिन में नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ यूक्रोमैटिन में होता है। हेटरोक्रोमैटिन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ यूक्रोमैटिन में हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, थोड़ी देर पहले बात की थी, ट्रांसक्रिप्शन एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, यानी कुछ एंजाइम्स उसमें यूज होंगे जो क्या करेंगे, डीएनए को रीड करेंगे, डीएनए को रीड करके मैसेंजर आरएनए बनाएंगे। अब डीएनए को रीड करना कब आसान होगा, जब वो लेस कंडेंस्ड होगा या जब वो मोर कंडेंस्ड होगा। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जब डीएनए लेस कंडेंस्ड फॉर्म में होगा तो डीएनए की रीडिंग हो सकती है, यानी ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद यानी मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, मैसेंजर आरएनए का जब ट्रांसलेशन होगा प्रोटीन बनेगा, वही प्रोटीन क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस होगा। यानी अगर यूक्रोमैटिन में चेंज आता है तो वो किसी के फिनोटाइप में चेंज ला सकता है, हेटरोक्रोमैटिन में ऐसा चेंज आने पे नहीं हो सकता, क्योंकि हेटरोक्रोमैटिन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। तो तीन पॉइंट हम लोगों ने पढ़े, तीनों को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या था, हेटरोक्रोमैटिन आर मोर कंडेंस्ड यूक्रोमैटिन आर लेस कंडेंस्ड। है क्या दोनों स्ट्रक्चर, बीड लाइक स्ट्रक्चर है बीड स्ट्रिंग पे, अगर इन बीड्स को पास पास रखे तो हेटरोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन क्या है, दूर दूर। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारा अपीयर कैसा होता है माइक्रोस्कोप में, दे अपीयर डार्कर, दे अपीयर लाइटर, ये चीज़ें बताया क्यों, क्योंकि स्टेन ज़्यादा लेगा तो डार्क कलर दिखाई देगा। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिव कौन होता है, तो याद रखना हमें क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हेटरोक्रोमैटिन आर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, आर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, यूक्रोमैटिन आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। अब एक और चीज़ क्लियर हो गई थी कि इसको ट्रू क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसका ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, किसी कैरेक्टर का एक्सप्रेशन ही तो कराना है, अल्टीमेटली प्रोटीन बना के किसी कैरेक्टर का एक्सप्रेस कराना है, प्रोटीन बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन ज़रूरी है, ट्रांसक्रिप्शन होगा तभी ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन बनना, आगे चल के वो प्रोटीन एक्सप्रेस होगा। तो कैरेक्टर में चेंज अगर आता है यूक्रोमैटिन में तो वही क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जीन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है, जीन की बहुत सारी बातें वहाँ पे हो चुकी है, डीएनए, मेंडल ने क्या क्या जीन पे खोजा था, एक्चुअली मेंडल ने उस टर्म को नहीं दिया था, मेंडल ने तो उसे फैक्टर्स बोला था, बाद में हमें पता चला वो फैक्टर्स क्या हैं, जीन। इस चैप्टर में भी हमें जीन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना था। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, जीन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, कुछ ऐसा कुछ मेजर चीज़ नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन ऑफ पिछले चैप्टर में हमने पूरा देख चुका है, जीन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फिर जीन प्रेजेंट कहाँ होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन डीएनए, दे आर प्रेजेंट ऑन डीएनए, जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होते हैं। अब एक चीज़ और याद होगा, डीएनए ही हमारा क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है, जीन प्रेजेंट है डीएनए पे, डीएनए ही क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है, इसका मतलब जीन कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, क्रोमोसोम का एक स्ट्रैंड बना दिया,
क्रोमोसोम का एक स्ट्रैंड बना दिया। अब मान लेते हैं इस पे कोई जीन प्रेजेंट है, कई सारे जीन इस पे प्रेजेंट होंगे। अब एक जीन का नाम हमने दे दिया कि ये जीन कोड करता है हमारे आई कलर के लिए, एक और जीन है वो कोड करता है किसी और चीज़ के लिए, हमारे हेयर के लिए हम मान लिया वो जीन हमारे हेयर के लिए कोड करता है। इसका मतलब एक ही क्रोमोसोम पे कई सारे जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एक ही क्रोमोसोम पे कई सारे जीन प्रेजेंट हो सकते हैं। जीन प्रेजेंट कहाँ है? डीएनए पे। डीएनए क्या बनाता है? हमारा क्रोमोसोम बनाता है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये चीज़ें क्लियर कर ली है। जीन ही क्या है? हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन की वजह से ही हमारा इनहेरिटेंस हो पाता है। एक ही क्रोमोसोम पे कई सारे जीन हो सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, एक जीन एक कैरेक्टर के लिए कोड करता है। जैसे हमने देखा एक जीन आई कलर के लिए कोड कर रहा है, एक जीन हेयर कलर के लिए, यानी एक जीन एक कैरेक्टर के लिए कोड करता है। बट इसके एक्सेप्शन भी होते हैं। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम लोगों ने पढ़ा, यानी एक कैरेक्टर के लिए कई सारे जीन वहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये एक एक्सेप्शन है किसका, कि एक जीन एक ही कैरेक्टर के लिए कोड नहीं कर सकता है। वहाँ पे एक कैरेक्टर के लिए कई सारे जीन प्रेजेंट थे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन स्किन कलर। उसके लिए कितने जीन होते हैं? 3 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। 3 जीन्स मिलकर ह्यूमन स्किन कलर कोड करते हैं। ये सारी चीज़ हम लोगों ने वहाँ पढ़ ली। इनफैक्ट इसका हमने क्या देखा, इसका रेशियो भी देखा था, ह्यूमन जीन कलर का यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का रेशियो भी देखा था। तो आप लोगों ने वो वीडियो हमारा ज़रूर देखा होगा। तो उस आप लोगों से क्वेश्चन भी है कि वहाँ पे हमारा रेशियो क्या आया था स्किन कलर का, तो उस रेशियो को आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे क्या होगा, नॉलेज भी एक बार हमारा चेक हो जाएगा। एक और एक्सेप्शन क्या था, प्लियोट्रॉपी। पॉलीजेनिक तो हो गया, एक कैरेक्टर को कई सारे जीन मिलके कंट्रोल करते हैं। बट पॉलीजेनिक में क्या होता है, एक ही जीन कई सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। पॉलीजेनिक और प्लियोट्रॉपी क्या हो गया, इसका एक्सेप्शन हो गया कि एक जीन एक ही कैरेक्टर को कोड नहीं करता है, एक्सेप्शन होते हैं। फिर आगे हम लोग किसकी बात करेंगे, अब ये जीन टर्म क्या था, मेंडल ने इसके बारे में बात की थी। मेंडल ने इसे क्या बोला था, जीन को फैक्टर्स बोला था। बट जीन टर्म किसने दिया था, एक्चुअली में जीन टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो उन साइंटिस्ट का नाम था विलियम जोहेंसन। साइंटिस्ट का नाम था विलियम जोहेंसन। ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने एक दो और टर्म दिए थे, फीनोटाइप और जीनोटाइप टर्म भी इन्होंने ही दिया था। अब आगे बात करेंगे क्या, पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये हमने क्या बनाया, क्रोमोसोम का एक स्ट्रैंड बना दिया। अब क्रोमोसोम को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्रोमोसोम का पेलिकल, क्रोमोसोम का मैट्रिक्स और क्रोमोसोम का क्रोमोनिमा। एक एक करके देखते हैं क्या होता है। पेलिकल यानी किसी भी चीज़ की आउटर कवरिंग, ये क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्रोमोसोम। फिर इसके अंदर जो एरिया होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंदर जो लिक्विड पार्ट होगा वो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स, क्रोमोसोम का मैट्रिक्स। अब थर्ड बोला था मैंने क्रोमोनिमा। क्रोमोनिमा वो पार्ट है जिसे हम बोलते हैं जीन बेयरिंग पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का वो पार्ट जहाँ पे क्या होता है, जीन प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पार्ट क्या था हमारा, क्रोमोनिमा। ये क्या है हमारे, यहाँ पे जीन प्रेजेंट है। अब क्रोमोनिमा किसका बना है, क्रोमोनिमा यानी डीएनए का बना होगा, डीएनए पे ही तो जीन प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोनिमा हमारा बना है डीएनए का। एक और स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोमियर, जिसपे क्या होता है, दो सिस्टर क्रोमैटिड आके अटैच होती है सेंट्रोमियर पे। चीज़ें ये बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ही जैसे सुनाई देती हैं हमें, एक ही जैसे वर्ड होते हैं, क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर, क्रोमैटिड, क्रोमैटिन, क्रोमोनिमा। एक और टर्म आ गया क्या, क्रोमोमियर। अब क्रोमोमियर क्या है, डीएनए के कॉइलिंग से क्या हो गया, एक बीड लाइक स्ट्रक्चर वापस से बन गया डीएनए के कॉइलिंग से, यानी डीएनए की अच्छी खासी कॉइलिंग जहाँ पे हुई वहाँ पे एक बीड लाइक स्ट्रक्चर बन गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर। ये क्या है, बीड लाइक स्ट्रक्चर। तो वापस से पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम को मैं बताता हूँ। क्रोमोसोम का पेलिकल यानी क्रोमोसोम का आउटर कवरिंग, क्रोमोसोम का मैट्रिक्स यानी जो अंदर लिक्विड पार्ट होगा, सेंट्रोमियर जहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच होती हैं, क्रोमोनिमा यानी जीन बियरिंग पार्ट यानी डीएनए का जो बना होगा। क्रोमोसोम के अंदर किसका बना है, डीएनए का। डीएनए में क्या प्रेजेंट है, जीन, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमा जीन बियरिंग पार्ट या डीएनए का बना है। लास्ट टर्म क्या हमारा, क्रोमोमियर। इसका मतलब बीड लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पर डीएनए की अच्छी खासी कॉइलिंग हो गई, वो हो गया हमारा क्रोमोनिमियर।
लास्ट चीज देखते हैं हम लोग क्या टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। अब तो क्रोमोसोम दो टाइप्स के हो सकते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहाँ पे बहुत लोगों को क्या होता है कन्फ्यूजन भी होता है। अब हमें पता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन की बात करेंगे तो 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी ह्यूमन के किसी एक सेल की बात की, यहाँ पे 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पे हमने एक ही क्रोमोसोम को दिखाया है, उसके पेयर को दिखाया है। तो ये क्रोमोसोम कैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम है, जैसे क्रोमोसोम 1 की बात करेंगे हम लोग तो उसका एक और पेयर होगा, एक तो आया होगा फादर से, एक आया होगा मदर से। क्रोमोसोम 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक उसका कहाँ से आया होगा, फादर से, एक आया होगा मदर से। ये दोनों क्रोमोसोम कैसे आपस में होमोलॉगस हैं, आपस में कैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब बात करें क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम 2 की, तो ये दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं आपस में नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ये दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं आपस में नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, यानी कि टोटल 23 क्रोमोसोम है, ये सभी आपस में कैसे हैं नॉन होमोलॉगस हैं। बट हर क्रोमोसोम का एक पेयर, एक और पार्ट भी प्रेजेंट है, यानी हर क्रोमोसोम एक पेयर प्रेजेंट है, यानी क्रोमोसोम 1 का पेयर ये आपस में होमोलॉगस है, क्रोमोसोम 1, 2, 3 ये सब आपस में कैसे नॉन होमोलॉगस हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी, होमोलॉगस क्या होता है या नॉन होमोलॉगस क्या होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात करें तो इनमें क्या होता है, सेम लेंथ होता है क्रोमोसोम का, सेम लेंथ होता है, सेंट्रोमियर का पोजीशन सेम होता है, सेंट्रोमियर का पोजीशन सेम होता है, सेम जीन प्रेजेंट होते हैं, यानी एक क्रोमोसोम है एक और क्रोमोसोम, दोनों पेयर हैं, दोनों में सेम जीन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अलील अलग हो सकते हैं, जीन के अलील अलग हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो हो सकता है इसी के दूसरे जगह पे वही जीन प्रेजेंट होगा बट अलील अलग हो सकता है, यहाँ पे कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों हो सकते हैं। यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम पे क्या है, सेम जीन, सेम पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेम लोकेशन पे सेम जीन के क्या होंगे अलील्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन अलील डिफरेंस हो सकते हैं। कैपिटल टी है तो यहाँ पे कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है। तो ये था हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम। याद रखना है कि जब भी मियोसिस के टाइम क्रॉसिंग ओवर होता है तो वो किसके बीच में होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच ही होता है। क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, पैकेटीन में होता है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मियोसिस में। तो वापस से होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ये चीज़ क्या थी, हमारी कुछ बेसिक चीज़ें थी जो टर्म्स हमारे आगे चैप्टर में हमें मिलेंगे। इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें, इनफैक्ट इसके नोट्स भी बना लें, क्योंकि काम तो आएगी ये चीज़ें। ये चीज़ें हमें आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो कई बार ये वर्ड्स रिपीट होंगे, तो ये चीज़ें अभी क्लियर करना ही ज़्यादा अच्छा था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो।